राधा केमिकल्स का बसाया गया ये छोटा सा टाउन मीठापुर सिर्फ यहीं के लोगों के लिए नहीं बल्कि आसपास बसे जितने गांव हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और साथ ही उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए टाटा केमिकल्स की ये कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल द CSR शो में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद जानेंगे इस तरह से कॉर्पोरेट दे रहे हैं साथ गुजरात की सरकार का जिससे कि पूरी हो सके एक बेसिक नीड टॉयलेट की। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग द CSR शो ओनली ऑन जी बिजनेस। CSR की बात होती है तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कॉर्पोरेट की कोशिश कि किस तरह से कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो। लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट है। जी हाँ, आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो है एक सरकार की पहल, गुजरात की गवर्नमेंट किस तरह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर कर रही है, जो सैनिटेशन के लिए उनके स्टेप्स हैं क्या कुछ वो कर रहे हैं और उसमें से कैसे कॉर्पोरेट्स उनकी मदद कर रहे हैं, देखते हैं केतन जोशी की इस रिपोर्ट में। आनंदीबेन पटेल जब गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तब उनके सामने कई सारी समस्याएं थी, कई सारे ऐसे टास्क थे कि इसमें से कौन सा काम वो सबसे पहले शुरू करें। लेकिन घर घर शौचालय बनाने का उनका सपना उन्होंने अपने हाथ पर लिया और ऐसा काम अपने हाथ पर लिया जिससे न केवल महिलाओं की समस्याएं दूर हुई लेकिन महिलाओं का सम्मान भी बरकरार रहा। ये सभी छोटे गांव गुजरात के नवसारी जिले के हैं। गांव में स्थिति ये हुआ करती थी कि जितने घर हैं उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी घरों में शौचालय नहीं थे, लोग खुले में जाते थे। लेकिन महिला शक्ति का उदाहरण देखिए, पुलवा गांव की महिला सरपंच ने बीड़ा उठाया हर घर में शौचालय बनाने का। गांव में 304 परिवार रहते हैं और आधे से ज्यादा परिवार के पास घर में शौचालय नहीं था। फिर धीरे धीरे राज्य और केंद्र सरकार की मदद से हर घर में शौचालय बनाने के लिए काम शुरू किया गया और आज हर घर में शौचालय बन गया है। दुवाड़ा गांव में भी यही हालात है और दुवाड़ा की महिला सरपंच ने हर घर में शौचालय बना लिया है। ये विजुअल्स देखने में शायद अपीलिंग ना लगे लेकिन हकीकत यही है कि ये हर घर की जरूरत है। एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि मेरे गांव में अमुक लोग हैं जो रस्ते पे खुले में शौच किया करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमने सभी पूरे गांव में जाके एक लिस्ट बनाया कि किस घर में शौचालय नहीं है और हमने टोटल लिस्ट 155 की बनाया। 155 जो टॉयलेट बाकी थे वो पूरे गांव में पूरा कर दिया और जो शौच क्रिया खुले में किया करते थे वो भी बंद हो गई और सभी लोग शौचालय का उपयोग करने लगे। आज गांव में 35 जितने शौचालय बन रहे हैं और अभी काम चालू है। नवसारी जिले में फुलवा और दुवाड़ा गांव की महिलाओं की शौचालय बनाने की चर्चा होने लगी और जितने भी महिला सरपंच वाले गांव थे वहां की महिलाओं ने भी अपने गांव में जिस जिस घर में शौचालय नहीं थे वहां पर शौचालय बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी और आज नवसारी जिला अपने आप में एक सामाजिक उत्तरदायित्व का अनोखा उदाहरण बन गया। हमें गर्व है कि सरकार की निर्मल भारत अभियान योजना की तरह गाँव स्वस्थ होना है। नवसारी जिले की महिला सरपंचों का ये विशेष कार्य देखकर गुजरात की महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी कहां चुप बैठने वाली थी। आनंदीबेन ने नवसारी जाकर एक सार्वजनिक समारोह में इन गांव की महिलाओं का सम्मान किया और अपने गांव में शौचालय बनाने के लिए जिस महिला सरपंचों ने संकल्प किया था उनका भी सम्मान किया। मतलब कि सरकार खुद गई ऐसी महिलाओं के पास और पूरे गुजरात में सामाजिक उत्तरदायित्व से हर घर में शौचालय बनाने का खुद गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने संकल्प किया और साथ में ये भी कहा कि आखिरकार महिलाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए और इसी में समाज की भलाई है। जितने टॉयलेट बाकी थे सभी टॉयलेट 2-3 महीने में बना दिया और वो काम अच्छा कर दिया महिलाओं ने, सरपंचों ने, इसीलिए उसका सम्मान का कार्यक्रम रखा था और मैंने भी बड़ी बड़ी खुशी जताई क्योंकि एक अच्छा काम और मैं जो अभियान चला रही हूँ इसमें ये महिलाएं योगदान दे रही है। पूरे गुजरात में कुछ 33 लाख से अधिक शौचालय बनाने हैं। गुजरात में 18,000 से अधिक गांव हैं। इसमें सरकार का आर्थिक सहयोग तो रहेगा लेकिन राज्य सरकार ने इस काम में अब उद्योग समूह को भी शामिल कर लिया है। इसलिए भले ही यहां पर गुजरात की सरकार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रही है लेकिन कॉर्पोरेट के साथ आ जाने से ये काम और आसान हो जाएगा।
जिस जिस जिले में जिस उद्योग घरानों के कारखाने लगे हैं उसके आसपास के गांव में जहां पर शौचालय नहीं है वहां न केवल उद्योग समूह शौचालय बनाएगा बल्कि जरूरत पड़ने पर आगे उनके रख रखाव के लिए भी वो आगे आए, ऐसी मांग आनंदीबेन पटेल ने उद्योग समूह पर रखी है। और उद्योग समूह भी सरकार की इस पहल से खुश है और हर तरह की मदद करने का भरोसा दिलाया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एज ए रिस्पॉन्सिबल कंपनी हमने भी पार्टिसिपेट किया एंड वी हैव एग्रीड फॉर दी प्रपोजल। हमने गवर्नमेंट को ये बोला है कि हमारे रीजन में कच्छ के अब्दासा लखपत तालुका में जो भी सुविधा चाहिए वी आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। सिर्फ नवसारी में ही नहीं लेकिन अहमदाबाद के कई सारे ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पर शौचालय अभी तक नहीं बने हैं लेकिन राज्य सरकार की पहल के कारण इस तरह के कई सारे शौचालय ऐसे एरिया में बनना शुरू हो गए हैं जहां पर किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से वहां काम चल रहा है। गुजरात सरकार ने फिर शौचालय बनाने में देर नहीं की। अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी शहर में जहां शौचालय नहीं थे ऐसे इलाकों में लोगों को विश्वास में लेकर शौचालय बनवाने शुरू कर दिए। 15,000 बनने का बाकी है, जो 15,000 में थोड़ा इश्यूज ऐसा भी है कि जहां घर पे जगह नहीं है वहां हम लोग कॉमन टॉयलेट फैसिलिटी के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, सिटी में जगह मिले तो ये इश्यूज थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगे। इस साल मार्च तक पूरा करने का कोशिश करेंगे बट आई एम श्योर मई जून तक हम 90% ऑफ द टारगेट अचीव कर लेंगे। इस तरह की गरीब बस्ती में जब शौचालय नहीं थे तब किस तरह की दशा थी और खासकर महिलाएं बिना शौचालय के किस हालात में जी रही थी, आइए वो हम महिला की जुबानी ही आपको सुनाते हैं। बहुत खराब दशा से हम सब बाहर जाते थे, अब परेशानी ऊंची हो गई। हम लोग सब रोड पे जाते थे संडास करने, शौचालय के लिए परेशान होते थे, सुबह जल्दी 4 बजे 3 बजे शौचालय के लिए इधर उधर घूमते थे। और अब जब हर बस्ती में शौचालय बनने लगे हैं तो यहाँ की महिलाओं और रहने वालों को काफी राहत महसूस हो रही है। अभी यहाँ पर शौचालय बन गया है, हमको सबको राहत मिल गई है, बहुत बढ़िया हो गया है, हमारा बहुत भीड़ कम हो गई है। पहले ऐसा था कि हमारी औरतें हमारे बच्चे सब रोड पे जाना पड़ते ला उनके लिए, और अभी जो घर पे बनाने का ये जो सरकार ने जिम्मा लिया है बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया सा जिम्मा लिया है उन्होंने, उनका खूब खूब अभिनंदन हमारी तरफ से। लोगों को समझा कर हर घर में जब शौचालय बनने लगे तब लोगों को इसकी अहमियत का ख्याल आया और पूरा सरकारी महकमा इसके पीछे लग गया। पहले हमने शुरू में हमने पहले सर्वे किया था, बहुत लोगों से हम मिले थे, उन लोग को सबको हमने समझाया था कि आपके घर में अगर शौचालय हो तो आपके क्या फायदे हैं, सबके घर में फ्री में टॉयलेट बनाने का वो जो है वो डिसाइड किया है, तो उसके लिए हमने सबको समझा। उसके बाद सब लोग को काफी बहुत समझाने के बाद सभी जगह सभी चालियों में जाके सबको समझाने के बाद सब लोग एग्री हुए। अभी शौचालय बनने के बाद भी बहुत सारे हमको रिस्पॉन्स अच्छे मिले हैं। पूरे गुजरात में लाखों शौचालय बनवाने हैं लेकिन जिस रफ्तार से ये काम शुरू हुआ है इससे लगता है कि आगे जाकर गुजरात का एक घर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें शौचालय ना हो, क्योंकि गुजरात एक बार ठान लेता है तो वो होकर ही रहता है। पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा फोकस रहा है विमेन एम्पावरमेंट पर। जी हाँ, अगर किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो जरूरी है कि देश की महिलाएं भी साथ चले और उनकी भी उतनी ही ग्रोथ हो। फिलहाल आपसे लेते हैं यहाँ पर विदा और दूसरी कंपनीज के CSR इनिशिएटिव से हम आपको मिलवाएंगे अगले एपिसोड में। एंड डू रिमेम्बर टू फॉलो अस ऑन ट्विटर एज वेल, यू कैन लीव योर कमेंट्स, योर फीडबैक एंड योर क्वेरीज ऑल्सो। तो चलिए आपसे लेते हैं विदा, देखते रहिए जी बिजनेस।